जिस प्रकार किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण अगर करना हो तो डॉक्टर उसको विभिन्न प्रकार के टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार हमें अगर किसी धारे का अगर देखना है कि ये कितने टाइम तक पानी देता रहेगा, कितने समय तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, इस चीज़ को जांचने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को एक सबसे आसान और सबसे जरूरी जो टेस्ट होता है उसको हम डिस्चार्ज नापना कहते हैं, जिसको कि इस पानी की जो मात्रा है वो एक मिनट में कितनी आ रही है। तो उस चीज़ को नापने के लिए हम LPM बोलते हैं, लीटर पर मिनट, और लीटर पर मिनट को नापने के लिए आपको या तो आप एक लीटर की बोतल यूज़ कर सकते हैं, अगर धारा पतला है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ये मैंने काटा हुआ है ताकि ये गिरे ना, और अगर धारा बड़ा है तो आप बड़ी बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये छोटा धारा है तो हम इसमें देखेंगे कि कितना पानी आ रहा है एक लीटर की बोतल से। तो इसको नापने के लिए आपको मोबाइल में स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप वॉच का यूज़ करने के लिए आप घड़ी वाले सेक्शन में, वॉच वाले सेक्शन में जाके एक स्टॉप वॉच आता है, आप ये देख रहे होंगे स्टॉप वॉच। अब धारे का डिस्चार्ज लेने के लिए हम स्टॉप वॉच और एक लीटर का बर्तन तैयार रखेंगे। जैसे ही मैं धारे पे इसको लगाऊंगा तो मैं स्टॉप वॉच भी उसी टाइम पे ऑन कर दूंगा। तो आप जैसे ही लगाएंगे तो अपने साथ साथ में ये स्टार्ट भी करना है और धारे का मुंह पे ये भी लगाना है अपना बोतल, और भरते ही आप निकाल दीजिए। तो ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे ताकि फॉल्स रीडिंग ना आए, और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली रीडिंग हमारी आई 9.21, ठीक है, मैं इस अभ्यास को 3 बार करूँगा। तो मेरी 3 रीडिंग आ गई हैं, एक 9.21 थी, एक 9.11 थी, एक है 9.76। तो मैं इनका एक एवरेज लेकर के मान रहा हूँ कि ये 9.20 सेकेंड में 1 लीटर भर रहा है। तो ये आंकड़ा मुझे लेना है किसी धारे का डिस्चार्ज नापने के लिए, आपको इसको नोट कर देना है। GPS रीडिंग आप नोट करेंगे, आप डिस्चार्ज नोट करेंगे। और अगर आपको यही अभ्यास, जल नापने का अभ्यास, अगर किसी बड़े धारे पे करना है या ऐसे धारे पे करना है कि जिसका जलमुख बड़ा है और 1 लीटर की बोतल उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप इसके लिए एक बड़ी बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं या चौड़े बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला बर्तन भरेंगे और इसको भरने के बाद देखेंगे कि ये कितना लीटर पानी निकल रहा है। तो इसको करने के लिए मुझे सेम वही पैटर्न अपनाना है। तो मैं जैसे ही लगाऊंगा और इसका पॉच ऑन कर दूंगा साथ में, तो स्टॉप वॉच आप रोक लीजिए किसी भी उस पर, आपको लगे कि ये पर्याप्त पानी है तो आप इसको रोक लीजिए और देख लीजिए कि कितना सेकंड हुआ है। तो ये 12.18 इतना सेकंड में ये इतना पानी भरा। अब आप इसको, आपके पास 1 लीटर का जो बोतल है, आप उससे भर लीजिए कि कितना पानी है, आप इसको भर सकते हैं कि 1 लीटर आपने निकाला, और हो सकता है कि ये दूसरा वाला कम निकले। तो आप इस प्रकार से बड़े धारे का यूज़ कर सकते हैं।